दोस्तों नमस्कार, आप देखिए हम जा रहे हैं धान ओसवाने ट्रैक्टर के माध्यम से ओसाएंगे। इसमें आपको दिखाएंगे कि धान थ्रेसर में कैसे ओसाया जाता है। थ्रेसरिंग का कार्य एकदम आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यह धान का खेत है, खलिहान जिसको बोला जाता है। इसमें ट्रैक्टर आ चुका है और यह ट्रैक्टर आप देख रहे हैं कि यह ट्रैक्टर थ्रेसर है। इसमें कैसे स्प्रेडिंग होता है और यह थ्रेसर है और यह धान का इसको गल्ला बोलते हैं, रास लगा हुआ है। ये सभी लोग हमारे फैमिली के लोग हैं, परिवार हैं। यह हमारा धान ओसा गया है, इसमें अभी इतना धान बाकी है ओसाने को। रुक रही है। देखिए स्टैंड है, यहाँ से स्टैंड लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लगा चुके हैं। स्टैंड पहले लगेगा, इसको बैलेंस बनाने के लिए इसका स्टैंड लगाना जरूरी होता है। यह रहा सापट, जो ट्रैक्टर की पुल्ली रिवर्स गियर और पुल्ली से कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि पुल्ली को इसमें जोड़ा जा रहा है। थ्रेसर चालू हो गया है, जिसमें अब हम लोग धान डालेंगे। धान का थ्रेसरिंग होगा, बहुत जल्दी ही धान का थ्रेसरिंग होने वाला है। आप बने रहिए, वीडियो पर देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि धान कैसे ओसाया जाता है थ्रेसर से। हेलो फ्रेंड, देखिए धान ओसा रहा है हम लोग का। देखिए इतना फ्रेश धान ओसाया जा रहा है हम लोगों का। यहाँ से धान निकलता है, यहाँ से धान निकल रहा है, धान डला रहा है। ये हमारी मम्मी है, धान डाल रही है। और देखिए इधर धान सब ओसा गया है, इधर बाबू लोग बैठे हैं। ट्रैक्टर है जो मैडम जी चला रही थी। धान ओसा रहे हैं हम लोग। देखिए धान है।